नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। महागठबंधन में जो महापेच फंसा हुआ है वो तो पता ही होगा आपको। पहले ये खबर थी कि समाजवादी पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाएगा, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, और एक या दो लोकसभा सीट दी जा सकती है। लेकिन महागठबंधन से समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी नहीं शामिल किया गया और स्थिति ये तक आ गई है कि अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने आज इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे झंझारपुर से। अब इस स्थिति में समाजवादी पार्टी का बिहार प्रदेश में क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष केदारनाथ प्रसाद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो इस स्थिति में कैसे संभलेगी पार्टी? बिहार में आपको आश्वासन मिला था कि दो सीटें मिल सकती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी पार्टी की आंतरिक बात है और बिहार में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में हमारे महागठबंधन के वरिष्ठ समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके कंसेंट से, उनके विचारधारा से हम सभी लोग जुड़े हुए रहे। ये तय हुई कि समाजवादी पार्टी हम लोगों को बाहर से मदद करें। हम लोगों ने सहर्ष, हमारे पार्टी के केंद्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की सहमति को जताई और हम लोगों को बताया कि हम लोग जैसा भी होगा बिहार में अपने सहयोगी दल को हम लोग मदद करेंगे और बहुमत ला करके समाजवाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित कराएंगे। इस आलोक में यदि हम लोगों को यहाँ समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो इसके लिए हम लोग को कोई तरह की नाराजगी आपस में नहीं लेनी चाहिए और ना आप लोग इसको अन्यथा लीजिए। आपका अभी जो बयान आया कि आउट कर दिया गया, हम लोग आउट नहीं है। समाजवादी पार्टी समाज का मुख्य मार्ग है, समाजवादी पार्टी के द्वारा ही समाज का। देखिए, आउट इसलिए आया बयान, पत्रकार बयान नहीं देते, पत्रकार सवाल करते हैं, और बयान आउट इसलिए आया क्योंकि महागठबंधन में खबर थी कि एक से दो सीटें दी जाएगी और जो आपके वर्तमान में अभी इस्तीफा दिया जिन प्रदेश अध्यक्ष ने, उनके बारे में ये खबर था कि उनको टिकट दिया जा सकता है। लालू यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं वो, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब वो अपने दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का उन्होंने झंझारपुर से घोषणा कर दी है, तो इसको तो आउट कहना ही कहेंगे ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका विचारधारा मैं सराहनीय मानता हूँ, परंतु ये उनकी विचारधारा रही होगी। उन्होंने ऐलान किया कि मुझे दो टिकट मिलेगी, एक टिकट मिलेगी, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष की मामला है, उनके मामला को हम लोग तय कर ले कि हमें बात हो गई, यह टिकट मिल रही है, यह अच्छी बात नहीं है। परंपरागत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी हर बात हम लोग को मानना चाहिए, तभी प्रदेश और राष्ट्र का एक समन्वय बनता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, ठीक है, लेकिन जो बिहार की अगर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी 40 के 40 सीट पर अपनी प्रत्याशी उतार रही है और बकायदा खबर है कि मायावती आके प्रचार भी करेगी, तो महागठबंधन के विपरीत में वो प्रचार करेगी बिहार में। एक तरफ वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल है, तो आप लोग का क्या स्टैंड होगा? आप लोग जो है वो महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे या क्या मायावती के लिए प्रचार करेंगे? नहीं, ये बात सही आपका सवाल है, परंतु तय मानिए कि हम लोग पार्टी के साथ समर्पित होकर रहते हैं। पार्टी किसका प्रचार करेगी बिहार में? पार्टी का प्रचार अगर हमारे केंद्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे कि आप महागठबंधन के लोगों को प्रचार में जाएं, उनके तमाम उम्मीदवारों को जिताएं, तो हम लोग निश्चित उनके आदेश के मुताबिक समाजवादी पार्टी यहां के गठबंधन के तमाम मायावती के खिलाफ प्रचार करेंगे। नहीं, मायावती के खिलाफ प्रचार करने की बात नहीं है, हम अपने पक्ष के लोगों की मदद करने की बात करेंगे। मायावती भी तो आपके पक्ष में है ना उत्तर प्रदेश? मायावती उत्तर प्रदेश में, यहाँ बिहार है, बिहार में उनका उम्मीदवारी हम लोग के साथ प्लस नहीं है, संगठन के साथ, संगठन के साथ हम लोग जहां जुड़े हुए हैं हम लोग उसी की मदद करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर। और कहने आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक घोषणा कर दी है कि वो आगे मतलब प्रत्याशी तक उतारेंगे कई जगहों पर वामपंथी दलों के साथ मिलकर। मैंने बताया ना कि तो राजनीति में अपनी अपनी बात होती है और उनको इस बात के लिए परहेज नहीं हुआ, चुनाव लड़ना उनकी मानसिकता हो गई, उन्होंने पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। समाजवादी पार्टी का एक शीर्षस्थ नेता बिहार का अगर वो त्याग पत्र दे करके और अपनी उम्मीदवारी के लिए अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात करता है तो यह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए या पद के गरिमा को देखते हैं। चुनाव भी लड़वाएगा, सिर्फ लड़ेंगे नहीं, लड़वाने की बात कर, लड़े लड़ाए तो उनकी आजादी है, लोकतंत्र है,
इस पर हमारे पार्टी की ओर से इतना ही बात हो सकता है कि अगर वो रिजाइन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो आज़ादी है उनकी, अगर वो रिजाइन करके नहीं लड़ते हैं तो पार्टी उनसे शो कोच करेगी और उन पर जो पार्टी स्तर का जो नियम संगत बात है उन पर लागू होगा और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ का रिश्ता है, गठबंधन है, ठीक है, और यहाँ पर तेजस्वी लालू यादव के जो पारिवारिक संबंध है अखिलेश यादव और लालू यादव के परिवार का, यानी कि आप लोग रिश्तेदारी बिहार में निभाएंगे, ये कहने का मतलब? ऐसी बात नहीं है, ये बात आप लोगों ने सुना कि वहां वो बुआ कहते हैं, ये तो व्यवहारिक सामाजिक बात है, ये उनकी महानता है अब अखिलेश जी की, वो बुआ कहते हैं एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते को भुला दिया ना, और रिश्ता है, और यहाँ ये रिश्तेदारी की बात नहीं, अगर रिश्तेदारी की बात होती तो हमारे लालू जी उस जमाने को आप याद कीजिए कि इन्होंने त्याग पत्र दे करके अपने कलेजे पर पत्थर डाल करके नीतीश को बनाया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लालू यादव से इतना प्रेम इसलिए है ना क्योंकि रिश्तेदारी निभा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी जहाँ है वहाँ है, राजनीति में रिश्तेदारी नहीं होता है, राजनीति में नीतिगत बात होती है और समाजवादी पार्टी के लोग अपने नीति के आधार पर उसी ये कैसा नीति है? आपको एक भी सीट नहीं मिला, आप बोल रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। हमारा यहाँ पर उनको आवश्यकता नहीं समझ में आई, हम अपने संगठन पर मजबूत हैं, मेरा आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी आज भी बिहार में जानी मानी पार्टी है। देखिए, अगर गठबंधन में हमको टिकट नहीं मिली हमको कोई फिक्र नहीं। कोई भी राजनीतिक दल का एकमात्र उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और जीतना, तो जब आपको टिकट ही नहीं मिला, आपको भाव ही नहीं दिया महागठबंधन ने, तो ये कैसी रिश्तेदारी है? हाँ, ये तो कैसा ये कैसी आइडियोलॉजी? आप ये रिश्तेदारी की बात कर सकते हैं, हम लोग संगठन की बात करते हैं, लोहिया जी के जमाने से हम लोग संगठित होकर के कांग्रेस के जमाने को हम लोगों ने धक्का दिया और आज तक हम लोग आगे बढ़ते चले आए। मतलब जो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के पारिवारिक संबंध है उस संबंध को आप लोग भी निभाएंगे ना समाजवादी पार्टी? हम लोग जानते हैं कि उनका संबंध है, हम निभाने के लिए हम उनके रिश्तेदार नहीं है, हम पार्टी के समर्पित सदस्य कार्य करता है और पार्टी के नीति को निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जो अपूर्व हो गए हैं, अगर वो आपको अपील करते हैं अपने समर्थन के लिए, आखिरी सवाल है, तो क्या आप लोग जाएंगे, मदद करेंगे उनकी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो हमारे पार्टी में है नहीं, इसलिए सारी रिश्तेदारी हमारी उनकी सकनाचूर हो गई। जब पार्टी में थे तो हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी में नहीं है तो निर्दलीय है या अपने दल से लड़ रहे हैं, उनकी आज़ादी है, हम लोग उनको क्यों मदद करने जाएंगे? हम तो महागठबंधन को मदद करने की बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि बिहार में आप सभी जा करके महागठबंधन के लोगों को मदद करें, हम लोग सहरसों को मदद करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष केदारनाथ प्रसाद जी, जिनका ये स्पष्ट रूप से ये कहना है कि महागठबंधन में बेशक उनको भाव ना दिया गया हो, तवज्जो ना दिया गया हो, लेकिन वो महागठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार करते रहेंगे अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको आज्ञा देते हैं। तो कैमरा सहयोगी मनीष के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।